जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में बैंक के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पीएम स्वनिधि योजना के स्ट्रीट वेंडरों को अभियान चलाकर लोन देने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही पहले से ही जिन स्ट्रीट वेंडरों का फॉर्म बैंक में भरवाया था उनको लोन देने के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा, यह प्रधानमंत्री योजना है जिसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, इसलिए सभी अधिकारी ईमानदारी पूर्वक कार्य करें और स्ट्रीट वेंडरों को समय से लोन का वितरण करें, नहीं तो बैंक के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस पर बैंक के अधिकारियों ने कहा कि एक हफ्ता व 10 दिन के अंदर जो भी बैंक के पास फॉर्म आया है उन सभी स्ट्रीट वेंडरों को लोन दे दिया जाएगा। अब 800 एप्लीकेशन पेंडिंग है सर, आज की रिपोर्ट में। अरे 800 हो गई वो थोड़ी बड़ी बात है, 800 जो नहीं हुई उसके बारे में बताइए। हाँ, ये 800 एप्लीकेशन सर पेंडिंग सर, अभी वो शो नहीं हो रहा है, ये रिपोर्ट आज की है। तो इसके बारे में बस यही कहना है कि आप उस कर दीजिए जो नहीं किया है। देखिए, एक तो कुछ बड़ी ब्रांचेज ने किया है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि छोटे छोटे अब लोग जो अभियान चलाए थे कल, उन्होंने नगर निगम के सारे अधिकारी गए थे वहाँ पर, गए आप लोग वो सब खत्म करवा रहे हैं, तो इसमें से 400 गलत है, वो सब खत्म। आगे से कोई भी बैठक में जिला प्रबंधक गण ही आएंगे। गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे ये निर्णय हुआ है कि स्वनिधि स्कीम में, ठीक है, बहुत ही गरीब का फिक्र था। आप में से कितने लोगों ने गोलगप्पे खाए, जिंदगी बच जाए, ये पुण्य का काम बता रहा। और शासन इसमें प्रधानमंत्री जिले के, मुख्यमंत्री जिले के सब लोग इसमें काम करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। और मैं कि ये आपकी क्वालिटी लेंडिंग भी हो जाएगी, ये जिज्ञासा मतलब बैड लोन हो जाएगा, ये हाई क्वालिटी लेंडिंग होगी। मैंने इन्हीं लोगों को अच्छे एसएमईस बनते हुए देखा, तो इसको देने में क्या दिक्कत है? मेरा इतना कहने के बावजूद भी आप 50% ही कर पाएंगे, क्यों, क्या कारण आ रहा है, कोई तो बताइए मुझे। नहीं सर, अभी अपलोड में दिक्कत आ रही है, अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सब तो होना ही, सेंट्रल बैंक ने सब कर दिया, कोई पेंडिंग नहीं हुआ है। लेकिन उसका फिर से अगले दिन प्रेगनेंसी में सैंक्शन बट नॉट डिसबर्स में आ रहा है। इसके रिगार्डिंग सर मैंने ग्रुप में भी डाला था और सर से मैंने बात भी किया था कि सर ये लेने का। अच्छा, एक दो दिन की प्रॉब्लम है ये, लंबा नहीं। आगे की रणनीति क्या है हमारी, आगे का सर? दो चीजें मुझे कहनी है, एक तो ये एक ढूंढ के इसको निस्तारित कर दीजिए आवेदन। मुख्य सचिव महोदय का सबसे बड़ा जोर है कि किसी भी जनपद में, किसी भी टाउन में इनका आवेदन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। वो सीधे सीधे इसका मतलब ये निकालते हैं, गरीब आदमी को दौड़ाया जा रहा है, बैंक दौड़ा रहा है, तो नहीं आएगा। पोर्टल आज तक नहीं चला है, 2 साल से पोर्टल ठीक चल रहा है, हो सकता है सोचो एक आवेदन किसी बैंक में अगर एक भी है तो मेरे हिसाब से कहिए उसको कर दे। वो एक जगह कल हम लोग गए थे, 28 आवेदन था और इंडियन बैंक यही बोल करके किया था। और जब उनसे उपनगर आयुक्त साहब ने कहा कि भाई ये 28 है, आपके यहाँ कितना है, तो बोले कि 28 है, 28 ही था। कहे क्यों नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत? कहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ हम लोगों को कि जब कोई दिक्कत नहीं तो 28 क्यों पेंडिंग, और वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग, 8 बजे मिल जाए क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, जो 6500 UPI ID गलत है, वो आप ही को सही करती है।